अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल। कोलार के एमपी मुनसामी साहब ने कोलार के क्लैक्टोवर को लेकर कोलार में मौजूद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो अमन व शांति से जी रहे हैं, इस अमन व शांति को बिगाड़ने के लिए कल एक प्रेस मीट करते हुए आप खुद सुन सकते हैं उनकी ज़ुबानी। कोलार के एमपी मुनसामी साहब ने कोलार के अमन व शांति को बिगाड़ने के लिए था। मौन प्रतिभटने इनकी पूरी वीडियो इसके आगे आप सुन सकते हैं उनकी जुबानी। लेकिन आप देख सकते हैं कि कोलार क्लॉक टावर में हज़ारों के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वहां पर बस की सवारी पकड़कर बेंगलोर, मद्रास, चिंतामणि, श्रीनिवासपुर, मुलबागल, बंगारपेट, मालूर, कोलार के हर आस पीस के गाँवों को वहाँ पर से हिंदू अक्सरियती हिंदू मुस्लिम सब वहाँ से बस को पकड़ जाया करते हैं। आप देख सकते हैं क्लॉक टावर में कितना पीसफुल, हर आदमी अपने अपने काम में अंजाम है और किसी को वहाँ पर एतराज़ नहीं है। जितने भी अब से ही नहीं, कम से कम 100 साल से क्लॉक टावर में हिंदू मुस्लिम सब आया जाया करते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी को एतराज़ नहीं कि वहाँ पर हिंदुस्तान का फ्लैग लहराए। ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಮನವಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಬಣ್ಣದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಆರಿಸೋವರೆಗೂ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ 21ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನೈತೆ ಇದು ಮುಗಿದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಈ ಸುಹೇಲ್ ಒಂದು ಮಾಟ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮತ್ತ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಇವನು ಏನು ಅವನು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಧ್ವಜ ಆರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು 21ನೇ ತಾರೀಕಿಂದನು ಎಲ್ಲಾರು ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾರಲ್ಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಜಿನ್ನಾ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾವೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಏನ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾನರಿದ್ದೀರಿ, ದುಬೈಯಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇರೋಂಥವ್ರು, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥವ್ರು, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಮೂಲ ಏನು, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತಾಂತರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನು ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ತರ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ ಮಾಡಂತದ್ದು, ಅವ್ರ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಮಹಾನ್ ಲೀಡರ್ ಮೊಹಮ್ಮಗಲ್ಬೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಏರಹಿ. ಕೋಲಾರ ಎಂ ಪಿ ಮುನ್ಸಾಮಿ ಸಾಹೇಬ್ ಕಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್. ಕೋಲಾರ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1930 ಪರ್ ಆರ್ಟ್ में हाजी मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब ने पत्थर के स्टोन से मैसूर महाराजा के हाथों वहां पर वो काम में अमल में लाए. उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर जय अप्पा जी घोड़ा और कोलार के हाजी मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब और कर्नाटक मैसूर स्टेट के महाराजा वडियर साहब ने मिलकर इसको तामीर किए. तो उस वक्त के मौजूद रहने वाले बड़े बड़े लीडर हजरात, जैसे कि मैं अभी नाम में बताया, हाजी मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, जय अप्पा जी गौड़ा, डिप्टी कमिश्नर मैसूर स्टेट के महाराजा, क्या उनके दिलों में हिंदुस्तान के फ्लैग की इज्जत नहीं थी जो अब के एमपी मुनसामी के दिल में एकदम से हिंदुस्तान के फ्लैग की मोहब्बत पैदा हो चुकी है. इन्हीं के पार्टी के एक मिनिस्टर ने हाल ही में अखबारों में टीवी में सब सुन चुके हैं कि हम हिंदुस्तान का रंग बदला देंगे. सबसे पहले जाकर हमारे कोलार के एमपी साहब ने उनके दिल में जो हिंदुस्तान के फ्लैग की जो नफ़रत पैदा होकर है उस नफ़रत को सीधा करें, उसके बाद में आकर यहाँ से क्लॉक टावर के ऊपर फ्लैग लहराने की बात करें. एमपी साहब से कोलार के अवाम दरख्वास्त करती है, कोलार क्लॉक टावर के पास फ्लैग हास्टिंग करना आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है. हमारे
बीच में रहने वाला है क्लॉक टावर, हम इसके अर्द गिर्द फिरने वाले, हमारा पहला हक बनता है। तो हम यहाँ क्लॉक टावर के नीचे एक गड़ा मार कर यहाँ पर पाइप लगवाएंगे और इसी के साथ आने वाले 15 अगस्त की फ्लैग हास्टिंग करेंगे। बिला वजह कोलार के MP मुनसामी साहब से कोलार की आवाम दरख्वास्त करती है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर यहाँ पर अमन व शांति से जी रहे हैं। अब हर बार क्लॉक टावर को लेकर यहाँ जो अमन व शांति है इसकी बिगाड़ने की कोशिश ना करें। तो कल मुनसामी साहब ने क्लॉक टावर को आने की जैसे ही बात कही तो कोलार के SP और DC साहब ने मिलकर उनको एक लेटर पेश किया कि आप कल क्लॉक टावर ना जाएं। तो इसको लेकर आज क्लॉक टावर में पुलिस का सख्त बंदोबस्त रहा। तो आप देख सकते हैं वहाँ का कुछ तस्वीरात और क्लॉक टावर के सारा वीडियो आपके अपने स्कॉलर ट्रू न्यूज़ चैनल की तरफ से। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि 1930 पर 8 में हाजी मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर जयप्पा जी गौड़ा, उस वक्त के मैसूर महाराजा ने मिलकर इस स्टोन की बिल्डिंग, इस स्टोन की एक टावर की तामीर की थी। उनके दिल में ये मोहब्बत थी शायद कि हिंदुस्तान के फ्लैग की, लेकिन वह जानते थे यहाँ पर फ्लैग हास्टिंग की जाए तो कपड़ा ख़राब होकर नीचे गिरेगा, पता नहीं किसके पैर के नीचे आ जाएगा। तो इसलिए वह जानते थे कि यह फ्लैग हास्टिंग करने की जगह नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जो मुसाफिर आया जाया करते हैं उनको वक्त की घड़ी वहाँ पर देखकर रुके रहें, बस का इंतज़ार करता रहे। तो क्लॉक टावर पर चार तरफ घड़ियाँ भी थे जो आने जाने वाले मुसाफिर उस वहाँ पर वक्त देखकर बस के लिए इंतज़ार में खड़े रहते थे। तो कुछ तस्वीरात क्लॉक टावर के आपको हमने पेश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं आपके अपने स्कॉलर ट्रू न्यूज़ चैनल की तरफ से।